साथियों, जैसे जैसे 22 जनवरी का दिन नजदीक आ रहा है, प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आ रहा है, अयोध्या धाम के माध्यम से जश्न पूरे दुनिया में मनने का समय आ रहा है, वैसे वैसे जैसे लग रहा है कि विपक्षी दलों के, यानी भाजपा के जितने भी विपक्षी दल हैं, जो तथाकथित रूप से अपने आप को एकजुट होने का राग अलाप रहे हैं, उनमें जैसे होड़ लगी हुई है कि किस तरह से प्रभु श्री राम को अपशब्द कहा जाए, अभद्र भाषा की का सीमा पार कर दिया जाए। आए दिन कुछ न कुछ बयान दे दे करके जैसे लग रहा है कि मोदी जी ये जो 400 का लक्ष्य रखा है ना, उसको ये लोग खुद ही लेकर के बैठे हुए कि नहीं नहीं 400 नहीं, हम तो आपको 400 से भी ज्यादा देने जा रहे हैं। जरा देखिए, एनसीपी के एक नेता हैं और सबसे बड़ी चीज है कि उन्होंने जो बयान दिया है, अपने जो हेड हैं शरद पवार जी उनके सामने, यानी शरद पवार जी उस सभा में बैठे हुए हैं और जितेंद्र अहवाड जी हैं जो दो दो बार मंत्री भी रह चुके हैं, बड़े ही विपक्ष के नेता भी हैं और बड़ा ही अपने बयानों के लिए मशहूर, इसके पहले भी इन्होंने कई तरह के अनर्गल बयान दिए। उन्होंने कहा है कि प्रभु श्री राम मांसाहारी थे, वो 14 साल अपने वनवास के दौरान मांस का भक्षण करते थे और यहां तक कि उन्होंने क्षत्रियों को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने यह कहा है कि क्षत्रियों का मुख्य भोजन है मांस, तो प्रभु श्री राम भी क्षत्रिय थे तो वो भी मांस खाते थे। यानी कि ये देखिए, प्रभु श्री राम के साथ साथ उन्होंने क्षत्रियों का भी, अरे जितेंद्र जी आप अभी अपने चश्मे को हटाइए, वास्तविकता से आप जो है सामना करिए, और आपके कहने से ऐसा कुछ नहीं होगा कि जंगल में मांस के अलावा क्या मिलेगा। अरे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी जैसी, तो जंगल में कंदमूल फल है, जंगल में अच्छे अच्छे फल भी है, सिर्फ मांस ही नहीं है। ये आपके मन की जो है ना गंदगी है, जो आपको वही चीज दिखता है। और हम तो यही कहेंगे कि इस टॉपिक पे शरद पवार जी को एक्शन लेना चाहिए, और शरद पवार ही नहीं, जो विपक्ष जो एकजुटता का ढोंग रटता है ना, उसको पूछना चाहिए कि आप जितेंद्र बाबू आप ऐसा क्यों किए। लेकिन हमें लग रहा कि अभी तक किसी का कोई एक्शन नहीं, कोई बयान सामने नहीं आया कि उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने की बात चल रही हो। और निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि यह पठती लिखती पश्यती परिपृश्यति पंडितानि उपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणे नलिनी दल इव विस्तारित बुद्धि। तो जितेंद्र बाबू आप पढ़िए, संस्कृति को जानिए। आज जिस तरह से देश के अंदर एक राम राज्य की परिकल्पना हो रही है और आपको सूझ नहीं रहा, अरे आपको मैं कह रहा हूं कि 22 जनवरी को आपके इस तरह के अनर्गल बयानबाजी से कुछ भी नहीं होने वाला है। और तो और, जो आप मनसा रच रहे हैं उसमें मोदी जी का भला ही होने वाला है, इसलिए कि 22 जनवरी को जानते हैं क्या होगा। ये 22 जनवरी 24 को प्यारे सोमवार के दिन की महिमा निराली, प्रभु जी पधारेंगे धाम अयोध्या। सुन लो, प्रभु जी पधारेंगे धाम अयोध्या और पूरे धरा पर मनेगी दिवाली। ये 22 जनवरी, तो अमान जी आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि 22 जनवरी को आप चाहे कुछ भी बोलिए, राम के खिलाफ या हमारे सनातन के खिलाफ, चाहे आप हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो या जो भी इस तरह के सनातन और प्रभु श्री राम के खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहा है, वो 22 जनवरी को देखना
कि यहां से पूरी दुनिया को एक शांति का पाठ पढ़ाया जाएगा और भारत दुनिया के लिए एक शांति दूत के तौर पे उभरेगा और यहां अयोध्या से इसकी नींव रख दी जा रही है। तो ध्यान से सुन लीजिए और आप, हम तो यही कहेंगे कि अभी से भी कुछ नहीं बिगड़ा है। चलिए, इंसान है, इंसान से गलती होती है। अगर आप अपनी बातों को तौबा करके, अपनी बातों को आप ये करके, और अब से भी अगर प्रभु श्री राम से कुछ सबक लेने की कोशिश करेंगे तो हमें लगेगा कि मेरी बात, मेरा प्रयास सार्थक रहा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।